दोस्तों कोई भी इंसान जब न्यू मोबाइल लेने जाता है तो वो हर चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा बारीकी से जो है वो ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करता है कि इस मोबाइल में क्या फ़ीचर्स हैं क्या फ़ीचर्स नहीं हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आपका मोबाइल है उसमें कितने सेंसर्स हैं? कई लोगों को तो ये सेंसर्स का पता भी नहीं होता कि ये सेंसर्स होते क्या हैं, और 100 में से 10% लोग ही जानते हैं कि ये सेंसर्स का क्या मतलब है। तो जिन लोगों को सेंसर्स का पता नहीं है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आप एक ट्रिक के जरिए देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने सेंसर्स हैं और क्या वो सही से वर्क कर रहे हैं। और जिन लोगों को सेंसर्स का पता ही नहीं होता कि उनके मोबाइल में कितने सेंसर्स हैं, तो वर्क करने की तो बात ही अलग है, वो फिर कहीं से ट्राई ही नहीं कर सकते कि उनके मोबाइल में कितने सेंसर्स हैं और वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन की जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा और वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अब मेरे मोबाइल में देखिए सिर्फ दो सेंसर नहीं है, एक टेम्परेचर सेंसर और एक प्रेशर सेंसर। तो ये दो सेंसर्स पर जो है वो एरर लिखा आ रहा है। तो ये एक जे वाला नहीं है, एक ये, दोनों सेंसर्स नहीं है। तो इसको दो को छोड़कर बाकी के सभी जो सेंसर्स हैं वो मेरे मोबाइल में हैं। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट वाला सेंसर्स को ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ ये सबसे बढ़िया काम कर रहा है नहीं। तो मैंने जैसा ही इसको ओपन किया, ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ गई। अब मैं मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो ये बॉल देखिए जिस तरफ मैं रोटेट कर रहा हूँ ये बॉल उसी तरफ चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये सेंसर जो है वो मेरे मोबाइल में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद लाइट सेंसर की ओर जाते हैं, तो ये लाइट सेंसर है, तो ये लाइट सेंसर चल रहा है। तो जैसे ही मैं ये सेंसर पर अपनी उंगली रखूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा, तो मतलब ये सेंसर भी मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद चलते हैं तीसरे सेंसर्स में, तो चलिए ये आ गया है, ये बिंदी जो है वो ऊपर रहेगी। तो मैं मोबाइल को थोड़ा थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए ये सेंसर्स भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसी तरह से आप सभी सेंसर्स को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जो प्रोमोक्सरी सेंसर, इस पर मैं सेंसर्स पर हाथ रखा और ये देखिए फूल जो है वो ओपन हो गया, फिर से हाथ रखा ये क्लोज हो गया, ये ओपन, तो ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से आप सभी सेंसर्स को जो है वो बड़ी आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। ये वॉइस सेंसर है कि आपकी वॉइस देखिए जैसा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इसका थर्मोमीटर जो है वो हाई होते जा रहा है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे जो है वो ट्राई कर सकते हैं और आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने सेंसर्स हैं और कितने नहीं। और इस एप्लीकेशन की मैं आपको खास बात बता दूं, इसके साइड में जो टूल बॉक्स दिख रहा है इसके जरिए आप अपना फ्लैश लाइट भी चालू या बंद कर सकते हैं, और साइड में आपको जो दिख रहा है मेमोरी की इन्फॉर्मेशन भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि मेरी 75% यूज में है मेमोरी। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नॉर्मली प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है सेंसर बॉक्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ प्ले स्टोर पर जाकर। तो मैं ये आ गया हूँ, मैं लिख देता हूँ सेंसर बॉक्स। तो ये सेंसर बॉक्स आप लिखेंगे और आपके सामने ये फर्स्ट में ही एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, 1 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।